बाराबंकी में लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर हुए एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। लखनऊ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जा टकराई, जिससे कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई। मरने वाले बैंक कर्मी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठी होने से हाईवे जाम हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य करते हुए जाम खुलवाया। लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर आज एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। लखनऊ जा रही अनियंत्रित कार सड़क के किनारे खड़े कंटेनर में जा घुसी, जिससे कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक बच गया। मरने वाले बैंक कर्मी बताए जा रहे हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद आसपास के लोगों की खासी भीड़ लग गई और हाईवे जाम हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य करते हुए जाम खुलवाया। बताते चले कि देवरिया के रहने वाले पवन मिश्रा, नागेंद्र मिश्रा, शैलेश पासवान, राजीव शर्मा और राणा प्रताप सिंह देवरिया जिले में स्टेट बैंक की फ्रेंचाइजी चलाते हैं। आज ये लोग लखनऊ हेड ऑफिस जा रहे थे। हेड ऑफिस में इन्हें अपने थंब इंप्रेशन देने थे, जिससे ये अपने ग्राहक सेवा केंद्र चला सके। कार राजीव शर्मा चला रहे थे। अभी ये लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर नगर कोतवाली के सफेदाबाद क्रॉसिंग के करीब पहुंचे ही थे कि एक कार ने अचानक इनको ओवरटेक किया। अचानक ओवरटेक से कार चला रहे राजीव हड़बड़ा गए, जिससे इनकी कार सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। जबरदस्त हादसा देख आसपास के लोग दहल गए। आनन फानन में मौके पर पहुंचे लोगों ने कार सवार लोगों को निकाला, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। बाराबंकी से नागेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।